नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झरिया लाइव। हमारी इस पहली ब्लॉग में आपको ले चलते हैं धनबाद जिले की झरिया में स्थित राजा शिव प्रसाद कॉलेज की ऐतिहासिक बिल्डिंग में। मित्रों, आज से 5 साल पहले झरिया राजा शिव प्रसाद कॉलेज की इस बिल्डिंग में पठन पाठन बंद कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि इसके नीचे आग का दायरा बढ़ रहा है। उसके बाद से इस कॉलेज की स्थिति खंडहर सी बनती जा रही है। तो आइए इस कॉलेज के अंदर की स्थिति से आपको रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, आरएसपी कॉलेज का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। इस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर हजारों छात्र आज देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। यह स्टोरी उन्हीं छात्रों को समर्पित है जो इस कॉलेज के प्रांगण में बिताए हुए अपने स्वर्णिम पल को फिर से याद करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, इससे रूबरू होकर अपने अतीत को ताज़ा करें, साथ ही ये बताना न भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। झरिया राजा शिव प्रसाद कॉलेज का मेन बिल्डिंग का व्यू आप देख रहे हैं। मैं पूरा कैंपस आपको दिखवा रहा हूं। यह रहा साइंस सेक्शन, नीचे लेबोरेटरी, ऊपर में एकेडमिक क्लासेस वगैरह चलता था। अभी तक कुछ गेंद पड़ी हुई है। यह है कॉमन रूम का दृश्य। कॉमर्स काउंटर
और ये रहा हमारा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी काउंटर। ये राजा शिव प्रसाद कॉलेज का फलक है जिसमें लिखा हुआ है राजा शिव प्रसाद सिंह, बॉर्न ऑन अगस्त 1886, डाइड 1 जनवरी 1947। इट वाज इरेक्टेड बाय हिज बिलॉव्ड सन्स राजा के पी सिंह, कुमार टी पी सिंह, ठाकुर एस पी सिंह, फौजदार ए पी सिंह एंड नूनमणि आर पी सिंह। ये जो प्रस्तर फलक देखी जा रही है ये पूरा का पूरा संगमरमर का बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये संगमरमर का बना हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे जिला प्रशासन को चाहिए कि इसे प्रिजर्व करें, कई अच्छे स्थान पर रखें। लेकिन ये देखिए ये राजा शिव प्रसाद कॉलेज के खंडहर के बीच में ही पड़ा हुआ है, ये हमारे नज़र से उचित नहीं है। ये बरसों पुरानी एक प्रस्तर फलक जिसको बोलते हैं, पत्थर की जो फलक है जिसमें राजा शिव प्रसाद कॉलेज के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है, तो इसे प्रिजर्व करना चाहिए था। हम लोग चल रहे हैं राजा शिव प्रसाद कॉलेज के ऊपरी मंजिल की ओर, आप देख सकते होंगे इसके फ्लोर ये काफ़ी डिप्लोबल कंडीशन में है, ओवर खावड़ टूटे फूटे हालत में है। ये है आर्ट्स कॉलेज का ऊपरी हिस्सा, कुछ हिस्से टूट के गिर चुके हैं। ये अंदर का देख सकते हैं क्या हालत है, और मैं दिखाता हूँ ऊपर से सेकेंड फ्लोर के ग्राउंड से। बच्चे देखिए आरएसपी कॉलेज के ग्राउंड में खेल रहे हैं, बच्चों को खिलकर या क्लोज से दिखा रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं बच्चे। दूर में साइंस ब्लॉक, और ये रहा हमारा मेन बिल्डिंग का हिस्सा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, अकाउंट सेक्शन आप देख पा रहे हैं। अब इस बिल्डिंग के अंदर के हिस्से में दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर की सीलिंग सारे गायब है। अभी तक कुछ नोटिस वगैरह लगा हुआ है,
टाइम टेबल फॉर बीएड कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर 2016-2018 आपको बताना चाहेंगे। एआरएसपी कॉलेज का संचालन 2016 से बंद कर दिया गया, इसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। कॉलेज का एकेडमिक जो भी गतिविधि है, एक्टिविटी है, दूसरी जगह चल रहा है बलियापुर में। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे, यहाँ से आरएसपी कॉलेज का छत का व्यू आपको दिखेगा। ये हिस्सा अभी तक उतना खतरनाक नहीं है। हम लोग चल आए हैं आरएसपी कॉलेज के छत पर, आप देख सकते हैं इसका व्यू नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको। ये शानदार नज़ारा आरएसपी कॉलेज का, ऐतिहासिक बिल्डिंग का आप देख रहे हैं। अब मैं आगे दिखा रहा हूँ, अब आपको दिखा रहा हूँ मेन गेट की तरफ से धनबाद जाने वाली सड़क का दृश्य। वाह क्या नज़ारा है, इतनी खूबसूरत नज़ारा आरएसपी कॉलेज के छत से। पुराने स्टूडेंट आरएसपी कॉलेज के बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये देखिए सामने माडा का जलागार का कैंपस, और उसके ठीक पीछे बोका पहाड़ी ओवर वार्डन का पहाड़ का नज़ारा है। एक बार फिर मैं ऊपर से दिखाना चाहूँगा नीचे के ग्राउंड, आरएसपी कॉलेज ग्राउंड का दृश्य। ये रहा आपका मेन गेट। अब मैं पूरा रोड आपको दिखाता हूँ। ये रोड, ये सामने वाली बिल्डिंग, छरिया की तरफ जाती सड़कें, ये झरिया की तरफ जाती सड़कें आप देख सकते हैं। वाह क्या नज़ारा है, तो मित्र ये है हमारा आरएसपी कॉलेज का ऐतिहासिक बिल्डिंग का नज़ारा। आप जानकारी के लिए बता दो कि ये आरएसपी कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ था 1949 में, और दो साल के बाद इसका मेन बिल्डिंग तैयार होने के बाद इसमें 1952 से एकेडमिक एक्टिविटी शुरू हुई थी, और लगभग 2016 तक यानी 66 साल इसमें एकेडमिक एक्टिविटी चलती रही। ये कॉलेज 2016 से बंद कर दिया गया झरिया फायर एरिया थ्रेट के चलते। ये बताया गया कि झरिया फायर एरिया के चलते इस कॉलेज को खतरा है, और उसके बाद इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। कहाँ रहते हैं आप लोग? ठीक से बोलिए, परसाटार से। यहाँ खेलने आए हैं? नहीं, ऐसे ऐसे। ये रहा सामने आरएसपी कॉलेज के छत के ऊपर से आप पिछला हिस्सा आप देख रहे हैं, साइंस ब्लॉक ग्राउंड, कुछ बच्चे। और इस तरफ से नज़ारा दूसरे हिस्से से आरएसपी कॉलेज का दृश्य आप देखिए। मैं कोशिश करता हूँ हर एंगल से आरएसपी कॉलेज की बारीकी आपको मैं दिखा सकूँ। आप हमारे साथ बने रहें।
इधर से भी धनबाद मुख्य सड़क का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लगता है। एक समय की टूटी फूटी सड़कें अभी बहुत ही अच्छा बन गया है, इसका लुक अच्छा हो गया, रोड की क्वालिटी अच्छी हो गई है, डिवाइडर बन गया है, स्ट्रीट लाइट लग गया है। रात को तो यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है, कभी संभव हो तो रात का दृश्य में भी मैं दिखाऊंगा। ये है आरएसपी कॉलेज, आप देख रहे हैं आरएसपी कॉलेज के ऊपर से धनबाद जाने वाली सड़क की दृश्य। हेलो काफ़ी रिस्की है यह प्लेस। आरएसपी कॉलेज मेन बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर में अभी हूँ मैं, आपको हर क्लासेस का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। ये है, आप देख सकते हैं इसका छत का कमरा कैसा है। ये देखिए छत पे उगे पेड़ पौधों के जड़ नीचे तक आ गई है। आगे का दृश्य, दीवारें टूट रही है। यह है क्लासरूम, शायद इसमें आर्ट्स का क्लास हुआ करता था या कॉमर्स का, मुझे ठीक पता नहीं क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जो लोग यहाँ क्लास के होंगे वो अपना मेमोरी रिकॉल करेंगे। ये देखिए मित्र, एक खास बातें आपसे करनी है कि ये आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, ये लगभग 5 साल से ये कॉलेज अबैंडन्ड है, और आप कहीं भी जाते होंगे किसी पिकनिक स्पॉट में या किसी दर्शनीय स्थल में आप जाते हैं और कोई भी पत्थर दिखे, दीवार दिखे, वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द लिखे होते हैं जो उस इलाके से मैच नहीं करता, लेकिन इससे इतर है हमारा आरएसपी कॉलेज। मैंने आरएसपी कॉलेज के जितने भी ब्लैक बोर्ड्स देखे हैं, ये दीवारें देखे हैं, वो कहीं गंदे शब्द या वो लव वाले सिम्बॉल्स वगैरह कहीं दिखने को नहीं मिला। हमारे आरएसपी कॉलेज के गरिमा को अभी तक बनाए रखे हैं और उम्मीद रखते हैं आगे भी रखेंगे, आपको आगे भी और भी बोर्ड्स दिखाएंगे, लेकिन एक भी बोर्ड्स मुझे अभी तक नहीं दिखी या ना दीवारों में इस तरह का कोई भी शब्द वर्ड्स लिखे हो जो आपको नगाबर गुजरे। एक और ब्लैक बोर्ड का व्यूज में दिखा रहा हो तो इसमें भी आपको एक ऐसा भी शब्द नहीं दिखेगा जो आपको नगाबर गुजरे, जो खराब लगे एक शिक्षण संस्थान के इमेज के बनिस्पत। धन्यवाद। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस बालकनी से बाहर का सीन आप देख रहे हैं। अब हम लोग नीचे आ गए हैं। ये अकाउंट सेक्शन, अकाउंट सेक्शन का दृश्य आप देखिए। बिल्डिंग अभी भी काफी मजबूती के साथ खड़ा है। ये अकाउंट सेक्शन का ऑफिस, अंदर का दृश्य, बिल्डिंग पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। अब हम लोग बाहर आ रहे हैं। ये देखिए वो छत में हम लोग थोड़ी देर पहले थे और वहाँ से हम लोग नीचे आ चुके हैं। ये इस प्रस्तरखंड के पास, और हम लोग अब जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर। ये है आपका, ये देखिए यह मूर्ति थी या ये जो आप देख रहे हैं इस स्लैब वहाँ लगा हुआ था संगमरमर का, उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई थी, दोनों गायब है, पता नहीं किस हालत में। और कहाँ का कमरा जहाँ कभी हम लोग घुसने से सहमते थे
सोचते थे, परमिशन लेते थे। आप देखिए उसका हाल, प्रिंसिपल रूम का टॉयलेट, ये प्रिंसिपल रूम का बगल में जो कुछ ऑफिसेस ऑफिस था उनका हिस्सा है, और इसी के साथ ही हम लोग पीछे चल जाएंगे। ये टॉयलेट, ये शायद बाहरी हिस्सा से एंट्री लगाने का कोई रास्ता। ये पीछे काउंटर्स जो है साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का, उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखिए प्रवेश निषेध, इसके बावजूद हम लोग ठाट से घुसते थे हमारे डिपार्टमेंट का। हालांकि दरवाजा में एक ग्रिल गेट भी लगा हुआ था, पूरे अंदर तक अलाव काफ़ी कम समय ही मिलता था, कभी कभी ही मिलता था। ये है साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का सेक्शन। चेक बुक या रसीद बुक क्या बोलेंगे, ये रसीद बुक में देखिए अभी तक डॉक्टर एल ठाकुर, इधर कुछ लिखा हुआ है रिसीव्ड अशोक कुमार, ये 89 की है, 24/4/89। इसी तरह मित्र रिसीव्ड एसी गोराय 27,500 बीपी शाह से, इसमें डेट आपको 89 का है, 89 का देखिए प्रोफेसर एमएस मुखर्जी 3,000 रुपये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, चेक काटा गया है, कुछ नोट्स भी और डाले हुए हैं, ये मैं रख रहा हूँ मेरे पास, आपको मैं बाद में डिटेल्स दिखाऊंगा। तो मित्रों तो जैसा कि मैंने कहा था कि आरएसपी कॉलेज अकाउंट सेक्शन का कैंपस में जो मुझे एक चेक बुक का पूरा चेक बुक ही मिला था, उसका डिटेल्स मैं दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी पुराना चेक बुक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया धनबाद ब्रांच बैंक मोड़ का। तो इस चेक बुक का जो खासियत मैंने देखी है, आप देख सकते हैं कि इस काउंटर फाइल में डॉक्टर एन के सिंह लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं इधर डॉक्टर एन के सिंह या उनके बिहाफ में कोई रिसीव किया है उनके सिग्नेचर। इसी तरह प्रोफेसर एस के मल्लिक, देखिए प्रोफेसर एस पी मल्लिक का सिग्नेचर आप बतौर ऑटोग्राफ के तौर पर इस सिग्नेचर को देख सकते हैं, ये आज के दिन में बहुमूल्य है, प्रोफेसर एस के मल्लिक का ऑटोग्राफ हस्ताक्षर। इधर फिर से देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं प्रोफेसर जे पी सिन्हा, देखिए प्रोफेसर जे पी सिन्हा का सिग्नेचर जिसे बतौर ऑटोग्राफ आज हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसी तरह प्रोफेसर एस के दत्ता, देखिए प्रोफेसर एस के दत्ता रिसीव्ड, ये सिग्नेचर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुमूल्य है जो प्रोफेसर एस के दत्ता का क्लास किए हैं। उसी तरह प्रोफेसर एम पी केसरी, देखिए ये शायद किसी दूसरे ने इन्हें रिसीव किया होगा, मिस्टर पी के झा का सिग्नेचर देख रहा हूँ इसमें। डॉक्टर एस पी वर्मा, देखिए डॉक्टर एस पी वर्मा, प्रोफेसर बी एन चौधरी, प्रोफेसर एस एन सिंह, ये देखिए प्रोफेसर एस एन सिंह का हस्ताक्षर, प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती, देखिए एस के चक्रवर्ती जी का सिग्नेचर, प्रोफेसर एम एस मुखर्जी, देखिए प्रोफेसर एम एस मुखर्जी का सिग्नेचर। इसी तरह आप देखते रहिए प्रोफेसर बी एम प्रसाद, बहुत ही अच्छा हस्ताक्षर, प्रोफेसर आर एन सिंह, ये रिसीव के हैं प्रोफेसर आसन सिंह, प्रोफेसर आर बी घोष, पता नहीं आर बी घोष का सिग्नेचर इसमें है नहीं, प्रोफेसर जी एस पारेख या प्रभाक, समझ में नहीं आ रहा है, प्रोफेसर जी एस समथिंग इज देयर, ये उनका सिग्नेचर, प्रोफेसर बी एन झा, देखिए प्रोफेसर बी एन झा का सिग्नेचर 25/4/1989 का सिग्नेचर, डॉक्टर बी कुमार, डॉक्टर आर बी घोष, देखिए डॉक्टर आर बी घोष,
वो बिहाफ में कोई दूसरे ने लिया है, मिस्टर आर बी घोष के बिहाफ में। अच्छा बी प्रसाद, ये देखिए बी प्रसाद सॉरी आर बी प्रसाद का सिग्नेचर, डी एल सरन, जे के सिन्हा, देखिए प्रोफेसर जे के सिन्हा का सिग्नेचर देखिए, देख सकते हैं। डॉक्टर एम पी उपाध्याय संभवत है, डॉक्टर एम पी उपाध्याय, डॉक्टर आर एन शर्मा, ये देखिए डॉक्टर आर एन शर्मा का सिग्नेचर, डॉक्टर बी पी सिन्हा, इसी तरह आप देखते जाइए। ये सारे हस्ताक्षर हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर जिन लोगों ने इन प्रोफेसर के क्लास अटेंड किए हैं, इनसे शिक्षा ली है। एस के मिश्रा, अशोक कुमार, एल ठाकुर, डॉक्टर एच एन शर्मा, डॉक्टर एच एन शर्मा, जी एस सिंह, एस एन प्रसाद या एस एन पी सिंह, एस बी चौधरी, डॉक्टर एस के अग्रवाल, जी हाँ डॉक्टर एस के अग्रवाल का सिग्नेचर देखिए कितना खूबसूरत सिग्नेचर, डॉक्टर ए के सिन्हा। पता नहीं इन प्रोफेसरों में से कितने प्रोफेसर हमारे बीच आज है या नहीं है, लेकिन उनकी आशीष तो हमारे ऊपर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पी एन मंडल, शायद प्रमोथनाथ मंडल सिंदरी से आते थे, ये कोई पी के झा इसमें सिग्नेचर किए हैं, एच के ओझा। तो जैसे मैंने कहा था कि ये एक तरह से खजाना है, एक बहुमूल्य खजाना, बहुमूल्य चीज़ जो मेरा हाथ लगा है आरएसपी कॉलेज में। तो किन्हीं को अगर ये सिग्नेचर स्कैन किया हुआ चाहिए तो मैं उन्हें स्कैन किया हुआ दे सकता हूँ, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डिमांड करेंगे। अगर किन्हीं को इन प्रोफेसरों का हस्ताक्षर या जिसे ऑटोग्राफ के तौर पर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, संग्रह कर रखना चाहते हैं, कलेक्ट कर रखना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उन्हें उपलब्ध कराने का हर संभव कोशिश करूंगा। धन्यवाद। काउंटर से हम लोग बाहर आ रहे हैं, याद है सो नॉस्टैल्जिक वीडियोस आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किस काम में आती थी मुझे उस समय भी पता नहीं था जब अच्छा, ये बिल्डिंग में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स स्टोर, और ये लिखा हुआ है सेल्स काउंटर, फॉर्म्स स्टाइपेंड्स सेल काउंटर। अच्छा मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। और ये स्पोर्ट्स स्टोर, अच्छा ये स्पोर्ट्स स्टोर का सीन है, रूम है, स्पोर्ट्स सेंटर का रूम से बाहर हम लोग निकल रहे हैं, फी काउंटर से के पिछले हिस्से से वो जो दरवाज़ा, हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर की ओर, इधर काफ़ी जंगल झाड़े हो गया, हम लोग इधर से निकलेंगे। ये हो गया जनरल स्टोर, जनरल स्टोर से हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये कुछ सेक्शन था मिटा दिया गया है, एक बक्सा रखा हुआ है बीबीए टू। ये देखिए मेन बिल्डिंग का दृश्य, और आगे चलेंगे बीबीए वन, इसके साथ ही हम लोग निकल रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर एंड गर्ल्स काउंटर। देखिए कितना जंगल हो चुका है, इधर कुछ भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू, सावधानी से हमें। ये हो गया एग्जामिनेशन सेंटर, ये हो गया गर्ल्स काउंटर, ये मेन बिल्डिंग या प्रिंसिपल कमरा का पिछला हिस्सा, इधर कुछ स्टोर रूम्स है, इधर भी स्टोर रूम, ये बॉयज टॉयलेट। अब हम लोग चल रहे हैं
मेन बिल्डिंग का पिछले हिस्से से एंट्री ले रहे हैं। आप देख रहे हैं नोटिस बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ एक बड़ा सा बोर्ड हुआ करता था जिसमें नोटिस लगी होती थी, हम लोग बारीकी से देखते थे उसका बोर्ड का, ये अभी तक दिख रहा है हुक वगैरह, लेकिन बाद में बोर्ड साइड टूट गया, हटा दिया गया होगा, उसके बाद दीवार में भी साटा जाने लगा होगा, उसका मार्क आप देख सकते हैं। ये नोटिस बोर्ड जनरल का भी वही हाल है। अब देखिए कंप्यूटर लाइब्रेरी शायद लिखा हुआ है, उसी नोटिस बोर्ड का बगल वाला कमरा ये आप देख सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग निकल रहे हैं इस मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से, ये बाएं तरफ प्रिंसिपल कमरा के साथ ही हम लोग बाहर निकल आए हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे बायोलॉजी डिपार्टमेंट। अब हम लोग बायोलॉजी सेक्शन की ओर जा रहे हैं। दिस इज साइंस लेबोरेटरी एंड देन आफ्टर द मेन बिल्डिंग ऑफ द बायोलॉजी डिपार्टमेंट इज हियर। आप देख सकते हो जो बहुत पुराने स्टूडेंट है ये बिल्डिंग को नहीं देखे होंगे, ये तो फिलहाल खंडहर बन चुका है, लेकिन ये शायद क्या रीडिंग रूम लिखा हुआ है यहाँ पर, रीडिंग रूम यहाँ पर ही हुआ करता था। हाँ, एक बोर्ड आपको दिख रहा है, ये UGC द्वारा नवनिर्मित पुस्तकालय रीडिंग रूम लाइब्रेरी था। ये माननीय मानव संसाधन विकास के मंत्री श्री चंद्रमोहन प्रसाद जी ने 2001 में उद्घाटन किए थे। खतरनाक डेंजरस डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड रूम। मुझे पता भी नहीं था यहाँ फर्स्ट एड रूम है। RSP कॉलेज में मैंने 5-6 साल तक पढ़ाई की है, चलिए आज मेरे को पता चला। अब हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए नजारा, ये कोई पेड़ है जब उस समय हुआ करता था हम लोग के समय में, हमने 1985 से 90 तक मैंने, या 91 तक यहाँ पर मैं आया करता था, तो उस समय ये जो पाम ट्रीज़ है वो सब था ही, कुछ छोटे पाम ट्रीज़ भी आ गए हैं, और ये पौधा था उस समय, हमें पता नहीं ये किस चीज़ का पौधा है, ये पेड़ है सॉरी। तो यह है बायोलॉजी डिपार्टमेंट RSP कॉलेज का। इस RSP कॉलेज में मैंने 1985 से 1990 या 1991 तक ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, BSc की पढ़ाई की है, तो उस समय रेगुलर आना जाना था। आप देख सकते हैं इसमें कुछ पाम ट्रीज़ है, ये पाम ट्रीज़ हमारे समय में भी था और अभी भी खड़ा है, और कुछ और पेड़ पौधे तो है, कुछ शायद काटे भी गए होंगे, कुछ नहीं है, लेकिन ये जो पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ ये पेड़ संभवत उस समय भी था जो आज भी है। अब आप पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बॉटनी और जूलॉजी डिपार्टमेंट का जो लाइब्रेरी रूम है ये इधर है। अब हम उसका अंदर चले। ये हो गया क्लास लैब 1,
ये हो गया क्लास लैब टू, क्लास लैब टू वन के अंदर हम लोग जा रहे हैं। एंड देखिए एक और ब्लैक बोर्ड, और उसी तरह का इस ब्लैक बोर्ड में आपको एक ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आपको खराब लगे। अब हम लोग आगे ये प्रैक्टिकल रूम है, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल किया करते थे जूलॉजी और बॉटनी का। हाँ तो इस रूम में हम लोग प्रैक्टिकल किया करते थे, जूलॉजी का प्रैक्टिकल रूम, बॉटनी का प्रैक्टिकल रूम आप देख रहे हैं। इसके अंदर जाएंगे, इस रूम को आप लोग देखिए, रिसर्च लैब। पता नहीं यहाँ क्या रिसर्च होता था, जो हमसे भी सीनियर लोग होंगे जो और आगे की पढ़ाई किए हैं उन लोग शायद कुछ यहाँ पर रिसर्च काम करते होंगे। तो ये रिसर्च लैब आप देख सकते हैं, आप लोगों ने यहाँ काफ़ी समय बिताया होगा। ये आपका रिसर्च लैब का व्यू, सब पिछला हिस्सा। हम लोग बॉटनी डिपार्टमेंट या बायोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर निकल रहे हैं, ये हम लोग आ गए हैं बायोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर। देखो, अब उम्मीद करे देखी।
ये है आरएसपी कॉलेज का एकेडमिक सेक्शन का दूसरा हिस्सा, साइंस सेक्शन। सारे कमरे में दिखा रहा हूँ, उधर पिछला हिस्सा भी मैं दिखाऊंगा, पहले आप इधर का कमरा देख ले। किस हालत में है आपका आरएसपी कॉलेज का बिल्डिंग? अब हम लोग पिछला हिस्से को देखेंगे। ये बिल्डिंग का पिछला हिस्सा का व्यू, और देखिए एकदम नज़दीक ही है फायर एरिया, जिसके कारण इस आरएसपी कॉलेज को बंद कर दिया गया। इसका कैंपस का पीछे आप देख सकते हैं, अभी तक लोग रह रहे हैं, बागवानी भी हो रही है, लेकिन आग का खतरा बना हुआ है। इधर देखिए लोग बस रहे हैं। ये राज कॉलेज का, राज हाई स्कूल का पिछला हिस्सा, हम लोग फिर से मेन बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं। दिस इज द बिल्डिंग। ये रहा केमिस्ट्री लैब, आरएसपी कॉलेज का केमिस्ट्री लैब, किन्हें याद है वो ड्रेन। अभी भी कुछ एसिड की महक मेरे नाकों को सुड़सुड़ा रही है। ये हुआ छत, फनल्स, ये ग्लास फनल अभी तक पड़ा हुआ है यहाँ पर, ओके। और ये देखिए हम लोग स्टोव में डाला करते थे, जिसे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स। देखिए याद कीजिए इस बॉटल को, आप लोगों में से किसने तोड़ी थी। देखिए शीशे के टुकड़े, एक केमिस्ट्री लैब का स्टोर है, जहाँ सिर्फ कवाड़ ही मिलेंगे आपको, बीकर, शीशे, स्लाइड्स और क्या ना जाने क्या क्या चीज़ के टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर का सेक्शन, जहाँ एक समय सारे एपरेटस भरे होते थे, अभी सन्नाटा। तो रूम का पिछला हिस्सा, इस सेक्शन में मैंने जब तक क्लास किया है, कॉलेज में पढ़ा हूँ, इस सेक्शन में मैंने कभी आया नहीं, या हमें मनाही थी आने की। ये हुआ संभवतः इधर टॉयलेट था। अब हम लोग ऑडिटोरियम की ओर जा रहे हैं। हमें याद है कोई स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल स्पीच वगैरह अगर कोई गेस्ट आते थे, इन समय हमें स्पेशल इधर बुलाया जाता था। ये साइंस केमिस्ट्री लैब का पिछला हिस्सा, जहाँ अलमारी और कचरे अभी तक दिख रहे हैं आपको, और ये है हमारा एंट्री।
टू द हॉल, द हिस्टोरिक हॉल ऑफ आरएसपी कॉलेज। कितने बने हैं? कितने के सपने साकार हुए हैं? आज दुनिया के किस कोने में है हमारा झरिया, हमारा आरएसपी कॉलेज का नाम रोशन कर रहा है उन लोगों के लिए। बड़ू वीडियो काफ़ी नॉस्टैल्जिक होगा। आप देख सकते छत, मैं पिछला हिस्सा से आपको दिखाना चाहूँगा। ये रहा मित्रों आपका स्पेशल क्लासरूम या ऑडिटोरियम का दृश्य। मैं काफ़ी भावुक हो रहा हूँ इन दृश्यों को देखकर। कभी यहाँ बैठकर के हम लोग दिग्गजनों की लेक्चर सुना करते थे। काफी खतरनाक हालत में है अभी भी, जानलेवा हो सकता है। और ये रहा आरएसपी कॉलेज का तीसरे तल्ले से व्यू पूरा आरएसपी कॉलेज का, आप देख सकते हैं। ये इससे पहले आपने नहीं देखी होगी इस तरह का इतना फैंटास्टिक नज़ारा, फैंटास्टिक व्यू ऑफ द आरएसपी कॉलेज कैंपस। पहली बार आप देख रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। देख सकते हैं ये आरएसपी कॉलेज का पिछले हिस्से का व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे ओवर वार्डन है और उस ओवर वार्डन या मतलब उधर ही आग है। यहाँ पर एक ट्रेंच काटा गया था आग को रोकने के लिए। नहीं कहा जाता है कि ट्रेंच के बावजूद आग आरएसपी कॉलेज की ओर बढ़ती गई, जिस कारण इस कॉलेज को बंद कर देना पड़ा। एक इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी अच्छी ऐतिहासिक इमारत को आग के चलते बंद कर दिया। आरएसपी कॉलेज का एक शायद ही आपने कभी किसी भी देखा होगा। हमारे पुराने मित्र जो आरएसपी कॉलेज से पढ़ाई कर चुके हैं और अभी देश और विदेश के कोने कोने में इस कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये नॉस्टैल्जिक व्यू है। आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू आज तक किसी आपने नहीं देखा होगा। आपको बताते चले 1952 में एस्टैब्लिश इस आरएसपी कॉलेज को 2016 में बंद कर दिया गया था। इसका कारण था आरएसपी कॉलेज का जो पिछला हिस्सा, अब आप देख रहे हैं जो ओवर वार्डन पहाड़ी दिख रही है वही पिछला हिस्सा है, इस पिछले हिस्से में आग बढ़ रहा था। उसके पीछे पूरा झरिया फायर एरिया है जहाँ से आग धीरे धीरे आरएसपी कॉलेज की ओर आ रही थी, जिस कारण एक निर्णय कॉलेज को बंद कर दिया। ये जो ओवर बर्डन मेरे पीछे आप देख रहे थे, इस आरएसपी कॉलेज को बचाने के लिए कई प्रयास किए गए। कहा जाता है कि एक ट्रेंच काटा गया, था ताकि आग आगे नहीं आ पाए। लेकिन उस ट्रेंच का क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तय है कि उस ट्रेंच से आग, ट्रेंच काटने के बावजूद आग का आगे बढ़ना रुका नहीं और उसी बहाने इस कॉलेज को बंद कर दिया। पीछे है मेन बिल्डिंग, दूर में
और ये सामने आपका बायोलॉजी डिपार्टमेंट और बाकी हिस्से यहाँ पर। इनके बारे में कौन कौन जानते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। कहा जाता है कि एक इसी कॉलेज का स्टूडेंट थे जिसे 1971 में गोली मार दी गई और गोली मारने के कारण कोई प्यार वार का लफड़ा था जिसके बारे में मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा। इसे शहीद बदी का दर्जा दिया गया। इस स्टूडेंट का नाम था भृगुनाथ सिंह, आरा जिला से थे ये। तो इस मूर्ति के बारे में जिन्हें जानकारी है कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यह है न्यू ब्लॉक का मेन एंट्रेंस जो है। मित्र, आप आरएसपी कॉलेज का पिछले हिस्से का दृश्य दिखा रहा हूँ। इधर देख पा रहे होंगे आप चारों ओर ओवर वार्डन की पहाड़ आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, और इसी के साथ ही आपको ले चलते हैं आरएसपी कॉलेज का पिछला हिस्सा, आरएसपी बिल्डिंग। मेरे पीछे आप देख रहे हैं आरएसपी कॉलेज का बिल्डिंग। वो दिख रहा है आपको आरएसपी कॉलेज का बिल्डिंग ठीक मेरे पीछे। आपको और क्लोज व्यू दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा क्लोज व्यू। ये जो मैंने ट्रेंच की बात थोड़ा देर पहले कर रहा था, ये रहा ये ट्रेंच। ये नीचे ये ट्रेंच काटा गया था। फिलहाल ये ट्रेंच आपको करीब से दिखाते हैं। ये ट्रेंच रहा, ये जो मार्जिन दिख रही है ओवर बार्डन की, इधर से ही ट्रेंच था। ट्रेंच काटा गया था आगे तक, लेकिन वो ट्रेंच काम नहीं आया। उसके बावजूद आग ये जो आरएसपी कॉलेज का बिल्डिंग है उसके तरफ बढ़ता जा रहा था, तो मजबूरन कॉलेज को बंद करना पड़ा। हमारा एक 65-66 साल पुराना एक ऐतिहासिक धरोहर राजा श्री प्रसाद कॉलेज और उसके साथ ही राज हाई स्कूल को बंद कर देना पड़ा। आप देख रहे हैं उसका पिछला हिस्सा। हालांकि अभी तक लोग यहां बसे हुए हैं। इन लोगों सारे लोगों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक है। लेकिन चूंकि आरएसपी कॉलेज में हजारों छात्र आते थे पढ़ने के लिए आते हैं और सबका जानों का खतरा बना हुआ रहता है, इसलिए वो बंद कर दिया गया। एक और व्यू आरएसपी कॉलेज का पीछे ओवर वार्डन के ऊपर से आप देख पा रहे हैं। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र ये जो ओवर वार्डन है आरएसपी कॉलेज के पीछे डंप किया गया है, उसके ऊपर से आपको ये व्यू दिखाया जा रहा है आरएसपी कॉलेज के पिछले हिस्से का। ये करीब से देखिए, दूर का नज़ारा आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत व्यू है। हालांकि थोड़ी सी धुंध छाई हुई है, फायर एरिया है, आग है, धुआं है, जिसके कारण और आसमान में भी बादल है, जिस कारण बहुत अच्छा व्यू आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो पैनोरमिक
एंगल है ये बहुत ही शानदार है, आप इसे देख सकते हैं। तो हम लोग खड़े हैं आरएसपी कॉलेज के पीछे, बोका पहाड़ी अग्नि प्रभावित क्षेत्र के ओवरबार्डन पहाड़ी के ऊपर। मेरे पीछे है आरएसपी कॉलेज का बिल्डिंग का दृश्य, आप देख सकते हैं ये ओवरबार्डन। तो मित्रों ये रहा हमारा आरएसपी कॉलेज का व्लॉग वीडियो, जो उन मित्रों के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आरएसपी कॉलेज से कभी न कभी यहाँ पढ़ाई किए हैं और आज देश या विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आरएसपी कॉलेज के हर एक बारीकियाँ दिखाने की कोशिश की, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेक्शन के क्लासेस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के डिटेल्स, सारा बात सारे दिखाने की कोशिश किया हूँ। आर्ट्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट और साइंस डिपार्टमेंट, सारा कुछ दिखाने का कोशिश किया हूँ। अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट में बताना ना भूलेंगे, ताकि मैं उसको रिव्यू कर पाऊँ। और साथ ही मित्रों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और एक से एक इस तरह अच्छा वीडियो झरिया और धनबाद से जुड़े हुए आपके सामने प्रस्तुत कर सकाऊँगा। तब तक के लिए हमें आगाह दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।